रिसेंट अव्यक्त वाणी है। पंद्रह तीन 2014 हेडिंग दिया है, जीवन के हर दिन होली वन पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना है। बीती को बीती कर सफलता के वरदान को स्वरूप में लाना। सर्व होली बच्चों को होली की मुबारक हो। आप एक एक होली बच्चा आज बाप दादा के साथ होली मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी सर्व होली बच्चों को होली की मुबारक दे रहे हैं। एक एक बच्चा कितना प्यारा है ये बाप और बच्चे जानते हैं। होलीएस्ट बाप हर बच्चे को अति स्नेह से होली की मुबारक दे रहे हैं। कौन सा बाप, कैसा बाप, होलीएस्ट बाप क्या दे रहे हैं? होली की मुबारक दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मुख से ही मुबारक दी जाती है ना, मुख से मुबारक दे रहे हैं। सर्व बच्चे होलीएस्ट बाप के होली बच्चे हैं। आज के दिन हर एक बच्चा अपने होली बनने की, होली बनाने की स्थिति को जानते हैं। बाप भी एक एक बच्चे को कहां तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में होली बने हो, पवित्र बने हो, वो बाप भी जानते हैं और आप भी जानते हो। क्या जानते हो? कि बच्चे कहां तक मनसा में पवित्र वाचा में और कर्मेंद्रियों के पवित्र कर्म में देह के जो संबंध होते हैं उन संबंधों में पवित्र और संपर्क में पवित्र कहां तक बने हैं वो बाप जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। क्योंकि बाप दादा को होलीएस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। होलीएस्ट, होलीएस्ट एक होता है या बहुत होते हैं बच्चे, तो होलीएस्ट बच्चे क्यों कहा? क्योंकि जिस दृश्य धर्म के पूर्वज हैं कौन है? अष्टदेव, जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, वो अपने अपने ग्रुप में होली हैं या होलीएस्ट हैं?
होलीएस्ट हैं। इसलिए कहा हर बच्चे होलीएस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो कितने प्यारे हुए कहे कहे बात में होलीएस्ट हैं, मनसा में, वाचा में, कर्मेंद्रियों के कर्म में, संबंध में होलीएस्ट। ये संबंध में होलीएस्ट क्या होता है? बाप के साथ जो संबंध निभाए उस संबंध में और कोई सानी न हो बाप के सिवाय। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसे होलीएस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो आज हर एक बच्चा होलीएस्ट बनने की मुबारक स्वीकार करे। कौन स्वीकार करे है? कौन स्वीकार करे है? हर एक होलीएस्ट बच्चा होलीएस्ट बनने की मुबारक स्वीकार करे। हर होली बच्चा नंबर वार है, है? अभी होलीएस्ट कहा, फिर नंबर वार कहा, ये कैसे है? नंबर बार क्यों? जब होली एस्ट है तो एक ही। हाँ, अपने अपने ग्रुप में होली एस्ट है, लेकिन लेकिन जब सभी ग्रुप इकट्ठे कर दिए जाए तो अलग अलग धर्मों के ग्रुप है ना, तो अलग अलग धर्म एक के बाद एक आने वाले हैं या एक साथ आते हैं बाप के संपर्क संबंध संबंध में, तो उसी हिसाब से नंबर वार बन जाते हैं। तो हर होली बच्चा नंबर वार है, लेकिन बाप दादा के प्यार का अधिकारी है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को चारों ओर के बच्चे क्यों कहा है? आठ के हिसाब से तो आठों ओर करना चाहिए। चारों ओर माने हाँ, चार ही तो दिशाएं हैं मुख्य, और चार उनके कोण हैं, जैसे ईशान कोण आदि। तो चारों ओर के बच्चों को कोई पश्चिमी देश के पूर्वज है, कोई पूर्वी देश के पूर्वज है, कोई दक्षिणी देश के पूर्वज है, कोई उत्तर के, ऐसे चारों ओर के बच्चों को चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? है? बाप दे रहे हैं कि बाप दादा दे रहे हैं कि माता पिता दे रहे हैं? हैं?
बाप दे रहे हैं, कौन सा बाप है? होलीएस्ट बाप कौन? शिव बाबा। तो मुबारक हो, मुबारक हो। ये भी दिन बनाए भक्ति वालों ने हैं, लेकिन हर दिन को महत्व दिया है। मनाते आप भी हो, मनाते भक्त भी हैं, साधारण बच्चे भी हैं, लेकिन हर बच्चे अपने अपने रूप से मनाते आते हैं। बच्चे तो अमृत वेले से लेके बाप को मुबारक देते, मुबारक की लाइन लगा देते हैं। चार ओर से, चाहे देश से, चाहे विदेश से, चाहे गांव से, हर बच्चा दिल से बाप को और आप सबको बहुत बहुत मुबारक देते, और बाप दादा बच्चों को मुबारक का रिस्पॉन्ड बहुत बहुत स्नेह से देते हैं। आज अमृत वेले चारों ओर से होली मुबारक, होली मुबारक के बच्चों के दिल के गीत बाप ने सुने हैं। बाप भी अभी सन्मुख आप एक एक बच्चे को, कितने भी बच्चे हैं, एकदम लास्ट बच्चे को भी मुबारक हो। मुबारक हो, ऐसे मुबारक दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? है? अरे मुबारक दे रहे हैं, अव्यक्त में नहीं, साकार शब्द नहीं बोला। क्या बोला? सन्मुख। सन्मुख माने सत्त प्लस मुख, दोनों शब्द मिलते हैं तो होता है सन्मुख। सबके चेहरे इस समय बाप के स्नेह में, लगन में मगन दिखाई दे रही है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नैनों की दृष्टि देते हुए यही मिलन मनाए रहे हैं। बच्चे सदा हर दिन इसी मिलन की खुशी और मौज में आगे बढ़ते चलो। जैसे दिन का नाम है होली, ऐसे जीवन के हर दिन होली, अर्थात पवित्र बन, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। बाप दादा एक बात पर खुश है, क्या देखा? कि हर बच्चा बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं और भिन्न भिन्न स्थान की मुबारकें मुबारकों की झोली भर गई। ये मुबारक सदा याद रहे, होली मुबारक है। आज बाप दादा ने चार ओर के बच्चों को अमृत बेले से लेकर के दिल से मुबारक दी। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चलो। बाप दादा हर बच्चे के साथी हैं। अभी आज के दिन बाप दादा भी आए हुए, एक एक सन्मुख बच्चे को दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, किसको दे रहे हैं? है? सन्मुख आए हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तो एडवांस पार्टी वाले तो गए काम से, है? वहां बाप दादा के सामने सन्मुख थे फिर हैं?
इमर्ज करके बोला। बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं, कहाँ का सूक्ष्म वतन का। और मुरली में सूक्ष्म वतन के बारे में बोला है, सूक्ष्म वतन क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो फिर सूक्ष्म वतन की बात कैसे सुनाई है? मनन चिंतन मंथन में रहने वाले जो सूक्ष्म वाइब्रेशन छोड़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बताया कि वो बच्चे भी इसी सृष्टि पर मनन चिंतन मंथन करते हैं, या कहीं ऊपर कोई ऐसी सृष्टि है सूक्ष्म वतन वालों की है। साकार में होते हुए भी सूक्ष्म स्टेज वाले बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चे बाप दादा के सन्मुख एक एक बच्चे की दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो। होली जो सेकंड बीता वो सेकंड के लिए क्या कहेंगे, होली होलिया। हर एक बच्चा अमृत वेले से लेके अपने अपने समय प्रमाण मुबारकों के गीत, दिल से गीत, मुख से गाते नहीं लेकिन दिल में मुबारकों के गीत बाप दादा के कानों में सुनाई दिए, तो बाप दादा भी एक एक बच्चे को सन्मुख मुबारक का स्पांड दे रहे हैं। हर बच्चे को दिल की दुआओं के साथ, दिल के प्यार के साथ मुबारक मुबारक। आज के दिन से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआएं स्वीकार करना। क्या बोला? दुआएं कैसे स्वीकार करना और कैसी दुआएं? अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। बड़ा पुरुषार्थ तो दुआएं बड़ी बड़ी दुआएं, छोटा पुरुषार्थ तो दुआएं भी छोटी छोटी। बाप की दुआएं क्या हैं? बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में देखना चाहते हैं। कोई भी बातें आए क्या, बातों का काम है क्या, बातों का काम है आना। लोग बातें करते हैं ना, जो लोग बातें करते हैं, कोई बात अच्छी लगती है किसी को, कोई बात अच्छी नहीं लगती है। वो दुनिया वाले गीत गाते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो फिर है उनकी बातों के प्रभाव में आ जाना है, आना है नहीं, बातों का काम आना है लेकिन हम उनके प्रभाव में आने वाले नहीं। अगर प्रभाव में आ गए तो क्या होगा है? हम उनकी प्रजा बन जाएंगे। कोई कुछ भी बोले, हम किसी की बातों के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। आप बच्चों का काम है बाप के दिल की दुआएं लेना। 15-3-14 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार करना। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में है। और बाप के साथ का अर्थ क्या है, है? बाप जो कहे
अमृत वेले जो मुरली सुनते हो उसमें याद प्यार के साथ दुआएं तो हैं ही हैं, तो रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो होली मनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनाना। सफलता स्वरूप है, सफलता हमारे जन्म का वरदान है। उस स्मृति से दिन को बार बार याद करो, बाप दादा का वरदान है। सफलता हर बच्चे के साथ है क्योंकि बाप दादा साथ है, तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। कब है साथ? जब है, जब बाप दादा बच्चों के साथ है तो सफलता। इस गीता में भी बोला ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, योगीश्वर कृष्ण जिसके साथ है वहां सफलता सफलता हो ही पड़ी है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है। है ही सफलता स्वरूप, स्वरूप ही सफलता है। तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना देगी। तो आज के दिन को सदा सफलता स्वरूप हूं, ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सदा स्मृति में रखना। तो आज अर्थात बीती सो बीती, होली अर्थात बीती, तो जो भी कुछ किया उसको आज बीती सो बीती कर, आगे के लिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमृत वेले रोज इस वरदान को स्मृति में रख, सारा दिन चेक करना और सफलता स्वरूप बनना। अभी तो बहुत नॉलेजफुल बन गए हो, दुनिया को पैगाम देते हो और बाप दादा भी हर बच्चे को ये वरदान देते हैं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अमृत वेले का सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या कहा? जन्म सिद्ध अधिकार काय के साथ जोड़ दिया? अमृत वेले के पुरुषार्थ के साथ जोड़ दिया। इसको रोज स्मृति में रखना और प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे तो सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। आज के होली दिन का विशेष वरदान है बाप समान, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। ये ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा बाप कौन है? हैं? बाप समान माना? अरे, और ब्रह्मा बाप समान माना? अरे, अंतर है दोनों में या नहीं है? अंतर है तब तो अलग अलग बोला। बाप समान बनना है संपन्न, या तो है, या तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना है। अगर बाप समान संपन्न बनेंगे तो क्या होगा, और ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनेंगे तो क्या होगा? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? बाप समान बनेंगे तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे ही, और ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो क्या होगा? हैं? जो बाप है
उस बाप के बच्चे तो बनेंगे ही, बाप के बच्चे बनेंगे तो वर्षा 16 कला संपूर्ण का मिलेगा या नहीं मिलेगा? है नहीं मिलेगा? बाप के बच्चे बनेंगे तो वर्षा भी मिलेगा, तो फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में थे। क्या कहा? थे कि अभी भी हैं? साकार रूप में अभी नहीं है, थे लेकिन मददगार अभी हैं या नहीं? मददगार अभी भी हैं, इसलिए फालो ब्रह्मा बाप। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी हो ना, अधिकारी हो हाथ उठाओ। तो जहां सफलता अधिकार है वहां माया की क्या बड़ी बात है? माया के खेल देखते रहो, माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? हैं? माया को भगाना, बाप की बेटी है, हैं? घर में नहीं आने देंगे, हैं? जो बाप की बेटी होती है बाप उसको घर में आने से मना करता है? कैसे मना कर देगा? भगा दे हैं? माया दुश्मन है। अच्छा, बाप की बेटी है तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी दीदी है कि दुश्मन है? माया का काम है आना और तुम्हारा काम है विजय प्राप्त करना, ये सदा याद रहे कि मैं सफलता का विजयी रत्न हूं। ये हो सकता है ना? हो सकता है? सफलता के अधिकारी है ना? अच्छा, आज की बहुत 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 मुबारक, सब ठीक है, हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा भी बहुत बहुत मुबारकों का टोकरा भर के दे रहे। कुछ भी हो याद रखना, बाप की सौगात छोड़ना नहीं। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो। सेवा कटन दिल्ली और आगरा का है। इस टर्न में टोटल 25,000 आए हैं, किसी ने बोला। उसमें 14,000 दिल्ली और आगरा के हैं। बहुत अच्छा, दिल्ली को यही वरदान है ड्रामा अनुसार कि हमारे राज्य में भी दिल्ली विशेष स्थान रहेगा। क्या कहा? दिल्ली को विशेष वरदान क्या है? हैं? क्या वरदान बताया? अरे अरे, नई दुनिया का हमारा राज्य आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो उस नई दुनिया के हमारे राज्य में दिल्ली का विशेष स्थान रहेगा। हैं? क्या बोला? दिल्ली का विशेष स्थान रहेगा या किसी दूसरे जोन का भी विशेष स्थान रहेगा?
हैं? क्या याद आया? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, माना दिल्ली में ऊपर नीचे तो बहुत होगा, फिर भी नई दुनिया में स्थान दिल्ली का ही रहेगा, विशेष स्थान, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिल्ली का रहेगा। उस विशेष स्थान में राज्य किसका होगा? हैं? बोलो। अरे दिल्ली में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है, तो विशेष स्थान लक्ष्मी नारायण का ही रहेगा। लक्ष्मी नारायण ना, विशेष स्थान दिल्ली का रहेगा, लेकिन उस विशेष स्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। फॉरेन वाले क्या सोच रहे हैं? फॉरेन वाले ये सोच रहे हैं कि हम भी दिल्ली के ही होंगे। कहां भी हो लेकिन दिल्ली तो मुख्य रहेगा, तो आना जाना तो होगा ना। कहां से? विदेश से भी। बताया था कि जो विदेश है वो तुम्हारे पिकनिक के स्थान बन जावेंगे, तो पिकनिक के स्थान से लौटते तो हैं कि वहीं बैठ जाते हैं, लौटते हैं, तो वहां से दिल्ली में आना जाना तो होगा ना, फंक्शन में तो आएंगे ना, मिलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, मजे में राज्य करते रहेंगे। है? कब की बात बताई? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, कब की बात बताई? हैं? हाँ, ऐसे नहीं सतयुग में, अभी संगम युग का साथ वहां भी रहेगा। जितने नजदीक अवस्था अनुसार अभी होंगे, किसके नजदीक? नहीं, ऊपर सिर्फ बाप का नाम लिया या ब्रह्मा बाप को भी लिया? हाँ, जितने नजदीक अवस्था अनुसार अभी होंगे उतना ही वहां भी परिवार के नजदीक होंगे। फॉरेन वाले कहाँ आएंगे? दिल्ली में आएंगे, आएंगे सब मिलकर के बहुत अच्छा राज्य करेंगे। अच्छा, डबल विदेशियों से, डबल विदेशियों ने तो आधा हाल भर दिया है। अच्छा है, अभी भारत वालों जैसा विदेशी भी हर देश से आते अपना लाभ उठाते हैं, अच्छा है, भले आए और जा करके औरों को भी साथ लाएंगे। अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा दिल का प्यार देते हुए गुड नाइट कर रहे हैं।
15, 3, 14 की अव्यक्त वाणी का तीसरा पेज अच्छा है। डबल फॉरेनर्स ने उन्नति अच्छी की है। पुरुषार्थ में भी कहां कहां बहुत अच्छे है, टेंशन में है। बाप दादा उन बच्चों को खास एक एक को याद और प्यार दे रहे हैं। दादियों से सभी अच्छा संभल रहे हैं। निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मोहिनी बहन से एक एक को वरदान है, वरदान चला रहा है और पहुंच जाएंगे साथ में। क्या कहा है? पहुंच जाएंगे साथ में, अभी साथ में नहीं है, है? गे क्यों लगा दिया? पहुंच जाएंगे साथ में माने बाद में, अभी साथ में नहीं है। राज्य करेंगे ना साथ में। आज सब तरफ की दादियां आई हैं, रुक्मिणी दादी से अभी भले नहीं देखती हो। क्या कहा? लेकिन बुद्धि सालिम है। किसकी है? अरे बोलते बोलते भूल गए, रुक्मिणी दादी की बात। अभी भले नहीं देखती हो लेकिन बुद्धि सालिम है, इसलिए अभी भी जो कुछ चलता है वो जानती भी हो। चलती भी हो, चलाती भी हो, ठीक है, मुबारक हो। अच्छा, तीनों बड़े भाइयों से। कौन कौन तीनों बड़े भाई? दिल्ली के ब्रजमोहन भाई, बंबई के रमेश भाई और माउंट आबू के निर्वैर भाई। त्रिमूर्ति सारे यज्ञ का ध्यान रखते हैं। क्या कहा? तीन मूर्तियां हैं। कौन कहां की मूर्ति? विनाशकारी मूर्ति कहां की? बंबई की। और स्थापनाकारी मूर्ति कहां की? दिल्ली की। बोला ये त्रिमूर्ति यज्ञ की देख रेख करने के निमित्त बने हुए हैं और साथी भी हैं, ये भी हैं और साथी बहुत अच्छे हैं। जैसे चला रहे हो वो ठीक है, और एक दो के नजदीक आओ। क्या कहा? साथी तो है लेकिन एक दूसरे के दूर है या बराबर नजदीक है?
है, एक दूसरे के नजदीक नहीं है उतने जितना चाहते हैं बाप दादा। संस्कार में नजदीक आओ माने अभी भी त्रिमूर्ति के संस्कार हैं, टकराए रहे हैं कि एक हैं, तो नजदीक आओ। जैसे नजदीक हो लेकिन संस्कार मिलाने में ये भी ध्यान रखो, ऐसे लगे लोगों को कि ये तीन नहीं है लेकिन एक है। कहते हैं ना, आवाज दो हम एक हैं, तो लोगों को ऐसी आवाज कानों में आ रही है कि एक है, आ रही है, हैं? आ रही है कि ऐसे लगता है, लेकिन बाबा कह रहे बाप दादा कि ऐसे लगे कि ये तीन नहीं है लेकिन एक है। अभी क्या लग रहा है, तीनों अलग अलग है, साथ ही तो और भी बहुत अच्छे हैं। बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, अच्छे हैं लेकिन और भी अच्छा बनाना है। यज्ञ की कारोबार एकदम अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है, अटेंशन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हर एक ने जो ड्यूटी ली है वो अच्छी संभाल रहे हैं, बाप दादा खुश है। कोई ने कहा हरिद्वार में संत सम्मेलन होने वाला है, आपकी कोई प्रेरणा हो तो बताओ। कभी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उनों के प्रति शुभ भावना रखे, उनकी महिमा भी करनी चाहिए, तो वो समझे कि हमारे को रिगार्ड देते हैं, अच्छा है। रमेश भाई ने बहुतों की याद दी, सभी को कहना बाप दादा ने भी याद दिया है। कोई ने कहा गुजरात में सरला दीदी का अमृत महोत्सव सभी ने खूब धूमधाम से मनाया है, अच्छा है, जन्म से ही वरदानी रही हो, अभी वरदान तो आपके गले का हार हो गए हैं, इसलिए जैसे निमित्त बन के चल रहे हैं वैसे और भी आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अच्छा। अमर बहन से ये भी अच्छा साथ दे रही है, अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, अच्छा। एक एक को बाप दादा याद प्यार विशेष दे रहे हैं, स्टेज पर आएंगे तो घमासान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा दूर से ही एक एक को दृष्टि और प्यार दे रहे। कोई ने पूछा बाबा अगली सीजन में आएंगे ना, संगम युग है साथ रहने का, साथ चलने का, साथ में राज्य करने का। साथ में राज्य करने का माना जो राजाई स्थापन होगी
उसमें अव्यक्त बाप दादा साथ में रहेंगे, अव्यक्त बाप दादा हैं? नहीं रहेंगे। फिर क्यों कह दिया संगम युग है, साथ रहने का, साथ चलने का, साथ में राज्य करने का। बाप चाहे साकार में साथ नहीं रहेंगे, कौन सा बाप? साकार बाप साथ में नहीं रहेंगे। वेद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि में सदाकाल स्थाई बाप कौन सा है? हैं? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा सदाकाल स्थाई है। तो जिसको शिव बाबा कहा गया है, शिव टाइटल मिला है या ओरिजिनल शिव है? टाइटल शिव है, क्योंकि बाप समान स्टेज बनाई और बाबा माने साकार। तो कोई ने पूछा, शिव बाबा सतयुगी राज्य में साथ नहीं रहेंगे, लेकिन साथ में आपके राज्य की प्रेरणाएं देते रहेंगे। रथ को भी ठीक रखना। कोई ने कहा रथ को ठीक रखेंगे बाबा, कौन राज्य करेगा साथ में? साथ में कौन राज्य करेगा? किसके साथ? बच्चों के साथ हैं? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ राज्य बच्चे ही करेंगे। माना ब्रह्मा बाप या बाप, कौन राज्य करेगा? हैं? बच्चों के साथ कौन राज्य करेगा? हैं? बाप राज्य करते हैं के लंगोटिया हैं? भक्ति मार्ग में बाप को राज तिलक दिखाया है, राज्य का ताजधारी दिखाया है, चित्रों में दिखाया है। तो राज्य कौन करते हैं? हैं? ब्रह्मा तो शरीर, अपने शरीर से तो होंगे ही नहीं, ये होंगे। हाँ, तो राज्य कौन करते हैं? हैं? विश्व का मालिक कहा जाता है विश्वनाथ, लेकिन प्रैक्टिकल में होता नहीं है। राज्य कौन करते हैं? बच्चे ही राज्य करते हैं। तो कोई ने कहा रथ को भी ठीक रखना। जिसने कहा उसने कौन से रथ के लिए बोला? हैं? हैं? गुलजार दादी के रथ के लिए बोला। तो बाप दादा ने कहा रथ को ठीक रखेंगे। ठीक रखेंगे माना जो भी दादियां हैं वो नई दुनिया में अपने रथ के साथ जाएंगी। गुलजार दादी जाएंगी हैं? फिर रथ को ठीक रखेंगे का क्या मतलब हुआ? हैं? रुक्मिणी बहन ने दीदी निर्मल शांता जी की याद दी। आज दीदी का पुण्य स्मृति दिवस है। होली के दिन
निर्मल शांता दादी ने शरीर छोड़ा था, जहां भी है बच्ची खुश है और आप भी खुश रहो, ये नहीं बताया कहां है। निर्मल शांता कहीं होगी या नहीं होगी, आप भी खुश रहो। रुक्मणी बहन ने कहा, बाबा पटना सेवा पर जा रही हूं। अच्छा है, आगे बढ़ती रहो। कोई ने कहा, द फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम भारत के 35 शहरों में हुए, इस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर केक बनाया है। उस केक को बाप दादा और वरिष्ठ दादियों और भाइयों ने काटा, केक बना बना के लाए। ओम शांति।